हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, क्या है ये चीज, टॉपिक को समझते हैं। देखिए, कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक सब्सटेंस है, उस पर एक रिएजेंट अटैक करा, ये एक रिएजेंट है, यहां सॉल्वेंट है, टेम्परेचर क्या रखना है वो आप देखते हो, और फाइनली आपका इंटरमीडिएट बनता है। अब यहां रिएक्शन कितने स्टेप्स में होती है वो भी इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट बन रहा है यानी कि कॉम्प्लेक्स है, और नहीं बन रहा है यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो खैर, हम बात करते हैं, फिर एक प्रोडक्ट बनता है, और यहां बीच में हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं कि हम रिएजेंट के नाम पे रिएक्शन को लिखते हैं। तो रिएजेंट कौन कौन हो सकता है, रिएजेंट कार्बोकेटायन हो सकता है, यानी हम बात सिंपल सा कर रहे हैं, कैटायन हो सकता है या फिर एनायन हो सकता है या फिर फ्री रेडिकल हो सकता है। सॉल्वेंट, हमारे पास सॉल्वेंट का क्लासिफिकेशन हम अलग करेंगे, बस छोटा छोटा मोटा मोटा कर रहे हैं अभी हम कि किस तरह से हम देखना है। सॉल्वेंट हमारे पास पोलर हो सकता है, तो पोलर प्रोटिक ये क्या होते हैं, हम इसको आगे यहीं पढ़ने वाले हैं, या फिर पोलर अप्रोटिक या फिर नॉन पोलर। ये आपके पास रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास सॉल्वेंट हो गया, रिएजेंट हो गया। उसके अलावा मैकेनिज्म हमारे पास हो सकती है, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म हो सकती है, सिंगल स्टेप रिएक्शंस और मल्टीपल स्टेप। इसके अलावा रिएजेंट के नाम पे हम इसको बोल सकते हैं एडिशन रिएक्शंस और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और हम इसका फर्दर क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं मैकेनिज्म का, एडिशंस एलिमिनेशंस और सब्स्टिट्यूशंस। देखिए, यहां एडिशन का मतलब है सीधा सीधा आपका जो भी रिएजेंट आया वो ऐड होना, एलिमिनेशन का मतलब उल्टा निकलना, जो भी आपके पास रिएजेंट था उसने आपके मॉलिक्यूल में से कुछ चीज और निकाल ली। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशंस, जो रिएजेंट आया वो तो एंटर कर गया और उसकी जगह कोई चीज बाहर निकल गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशंस। तो ये छोटा छोटा हमारे पास क्लासिफिकेशन है कि हम मैकेनिज्म को कैसे देखते हैं। सिंगल स्टेप रिएक्शंस में कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा आपका, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट हो बनती है, जबकि मल्टीपल स्टेप में आपके लिए इंटरमीडिएट भी बनता है। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा डेप्थ में हम देखेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में, टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशंस, टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशंस। टाइप ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशंस, देखिए टाइप ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशंस में क्या है आपके पास। सबसे पहले अगर ऐसा हो सकता है कि ए बी बॉन्ड है, ठीक है, और दोनों को इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही के पास चल रहा है, किसी भी एक के पास, वो ए के पास भी जा सकते हैं, बी के पास भी जा सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो कैटायन और एनायन दोनों बनते हैं, एक कैटायन बन जाता है और एक एनायन बनता है। इसको बोलते हैं होमो या हेट्रो, हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशंस। इसको हम बोलेंगे हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। आ रही है बात समझ में? फिर आता है एक और पॉइंट, होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशंस, होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशंस, सो सीएशन। एक ऐसा भी हो सकता है
कि हमारे पास यहाँ जो बॉन्ड है दोनों ने एक एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, तो ए प्लस बी आपके पास बन रहा है डॉट। तो यहाँ आपको कैटायन एनायन नहीं मिलते, यहाँ आपको क्या मिलते हैं? रेडिकल्स। रेडिकल्स यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसी पे भी कोई चार्ज नहीं है, बस बॉन्ड बनाना चाहता है। तो ये हमारे को रेडिकल मिल रहा है और इसको बोलेंगे हम होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशंस। तो ये छोटा सा पॉइंट हमारे पास हो गया, लिखें इसको। यहाँ ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कार्बोकेटायन या एनायन, या आप सिंपल बोल सकते हो केटायन एंड एनायन विल जनरेट जनरेट। और यहां पर आप बोल सकते हो फ्री रेडिकल जनरेट। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए होमोलिटिक में क्या जनरेट होगा, तो आप बोलेंगे रेडिकल्स, और हिटरोलिटिक में क्या जनरेट होगा, आप बोलेंगे केटायन एनायन। और ये बात समझ में, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है आपके। अब आगे तो दो पॉइंट्स आपके लिए क्लियर हो गए, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक। और भी आपके पास बहुत छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ये है अगला टॉपिक, और वो है न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो उसको हेडिंग डालेंगे हम, पहले ये लिख लो।